जाने के बाद आजम खान के आर्थिक हालात हो गए ऐसे कि 10,000 रुपए देने के लिए भी मांगी मोहलत। एक वक्त पर ऐशो आराम के होते थे चर्चे। विधायक की गई और चली गई सांसदी, हालात ऐसे बन गए कि अब जुर्माने की रकम के लिए कोर्ट में रहम की भीख मांग रहे आजम खान। सपा नेता के हालात ने सबको चौंकाया। आजम खान के हालातों पर सपा के तमाम नेता चिंतित, तो समर्थकों को भी सता रहा डर। सबने सत्ताधारियों पर साधा निशाना और सीधा कहा, हुन्नस ने बर्बाद कर दिया। एक दौर था जब आजम खान के ठाट बाट और उनके रुतबे के चर्चे होते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि आजम खान के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है और सपा नेता अब कोर्ट के सामने मोहलत की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सपा नेता और आजम खान के समर्थक चिंता में डूबे हैं कि उनके नेता को सत्ताधारियों ने खुन्नस में बर्बाद कर दिया है। आजम खान की अमीरी ही है कि उन्हें सबसे ज्यादा सुर्खियों का सरताज बनाया था और अब उनकी टूटती आर्थिक कमर ने सबको चौंका दिया है। जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। पूर्व मंत्री आजम खान अलग अलग मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की सांसद विधायक अदालत में जारी है। उन्होंने बताया कि गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप बचाव पक्ष पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाई का हवाला दिया गया। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने इस मामले के लिए आगामी 18 सितंबर की तारीख तय की है। बता दें कि आजम खान फर्जी आय प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि बेटा हरदोई जेल में बंद है। आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामलों में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा 29 मई को रामपुर जेल से रिहा हुई थी। उनको 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने तो सबको हक्का बक्का कर दिया है। और सपा नेताओं का कहना है कि आजम खान साहब को सत्तासीन लोगों ने हुन्नस में आकर बर्बाद कर दिया है और अब उनके हालात अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि एक दौर था जब सियासत में आजम खान की तूती बोलती थी और रामपुर में उनका एक छत्र राज चलता था, लेकिन जैसे ही 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद आजम खान के सितारे गर्दिश में आ गए और बीजेपी ने सत्ता संभालते ही आजम खान के खिलाफ एक्शन पर एक्शन के ताबड़तोड़ आदेश जारी किए, जिसके बाद आजम खान के सितारे गर्दिश में आए और उनके हालात बदतर होते चले गए। और अब आजम खान के हालात ऐसे हैं कि 10,000 रुपए जुर्माना देने के लिए भी वो लगातार कोर्ट से मोहलत की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।